राम राम सीता राम 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 हरे राम बड़े भाव से गाइए परमात्मा की असीम कृपा से भगवान श्री रामचंद्र की परम अनुमयी कृपा से आयोजित इस नव दिवसीय श्री राम कथा के इस पावन अवसर पर पधारे हुए ब्रह्म वृंद एवं सभी बंधुगण सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए सबको खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। परमात्मा की असीम कृपा से आज से यहाँ चैत्र मास के इस पावन अवसर में 9 दिन की राम कथा का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान राम और भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की लीलाएं, भगवान राम का स्वरूप किस तरह से हमारे जीवन को धन्य बनाता है, क्योंकि बहुत प्रकार के धन में से जो धन सबसे उत्तम है वो है राम धन। कमाया हुआ, पाया हुआ और किसी से लिया हुआ धन कुछ दिन तक रहता है, पर राम नाम का जो धन है, राम नामामृत है, वो हमारे जीवन को पावन, पवित्र और शोभित बना देता है। तो भगवान राम के शब्द में, भगवान राम के चरित्र में और भगवान राम की कथा में एक अद्भुत शक्ति है। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की गाथा और भगवान राम की कथा हमारे जीवन को पीड़ा मुक्त कर देती है। एक बार श्रवण करने से अथवा अनेकों बार श्रवण करने से श्री राम कथा हर क्षण कुछ ना कुछ नया प्रदान करती है। ये राम गाथा परम पवित्र है। तो आज से परमात्मा की दिव्य कृपा से हम 9 दिन तक यहाँ पर बैठकर भगवान राम का चरित्रामृत गान करेंगे, भगवान राम के बारे में सुनेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नया और कुछ जो सुना हुआ है उसको फिर से याद करेंगे। कथा एक वस्तु ऐसी है जितनी बार उसको सुना जाए उसमें से कहीं ना कहीं कुछ नया मिलता है, क्योंकि राम एक है, चरित्र एक है, परंतु उनको गाने वाले अनेक हैं, उनको सुनने वाले अनेकानेक है। अनेकों लोगों ने, अनेक राजा ने, महाराजा ने, कवियों ने, ब्राह्मणों ने, वंदितों ने, गंधर्वों ने, चारण ने, ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने और भक्तों ने रामचरित्र को गाया है। कभी शब्दों के रूप में, कभी काव्य के रूप में, कभी गद्य के रूप में, कभी कविता के रूप में, तो कभी वार्ता के रूप में। आप सबको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, काशी में पान बेचने वाले गल्ले में जो पान बेचता है ना, बनारस का पान बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए वो हिंदी मूवी में आया था, खई के पान बनारस वाला। तो वो पान बेचने वाले को रामचरितमानस पूरी कंठस्थ होती है, वहां राम चरित्र के पंक्तियों से शास्त्रार्थ होते हैं। पान बेचने वाला कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा देवता मात्र राम है, तो पान खाने वाला कहता है तेरा राम सबसे बड़ा है तो सीता से शादी क्यों की, यदि वो सबसे बड़ा था तो सीता का चरित्र और राम का चरित्र दोनों को जब रखा जाता है तो सीता के चरित्र में ज्यादा वजन हो जाता है, तो सीता का चरित्र जब अत्यंत चरित्रभूत है तो राम बड़े कैसे हो गए।
राम में, कभी कभी सीता में, कभी कभी भरत और राम में, कभी कभी भरत में और शत्रुघ्न में, कभी कभी उर्मिला में और लक्ष्मण में संवाद होता है, चरित्र गान होता है, क्योंकि गाने वाले कहने वाले एक नहीं अनेक है। आज तक हमारे जानने में और समझने में केवल दो राम कथा बड़ी प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। केवल दो कथा जो बड़ी प्रसिद्ध है, एक वाल्मीकि का राम कथा जो वाल्मीकि महामुनि ने लिखा वो, और दूसरा जो तुलसीदास जी ने लिखा जो रामचरित्र मानस, दो बड़ी प्रसिद्ध है। आश्चर्य होगा सज्जनों आपको सुनकर, 1000 रामायण इस पृथ्वी पर अभी उपलब्ध है। बोलो राधे राधे। 1000 रामायण अलग अलग लोगों ने लिखी हुई, उस कई रामायण तो लुप्त तो हो चुकी है जो हमारे पास है, बिल्कुल है ही नहीं। कई लिखा हुआ है कि कोई एक राजा ने रामायण लिखवाया था, उसका नाम है और वो ग्रंथ नहीं है, वो लुप्त तो हो चुका है, उसका रक्षण नहीं हुआ, खत्म हो गई वो पुस्तक। ऐसे खत्म हो चुकी हुई रामायणें बहुत है जो हमारे पास नहीं है, पर जो है वो भी बहुत है। उसमें से दो बड़ी प्रसिद्ध है, एक रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारी कथाएं और गूढ़ रहस्य भगवान राम के बारे में उसमें है। और रामचरितमानस सरल सुभग सर्वजन ग्राह्य सर्व मन प्रिय सबको अच्छी लगने वाली वो रामचरित मानस की एक कथा है जो बहुत प्रिय है और कान में सुनने के लिए बहुत सरल और सुभग है, जो अच्छी लगती है। तो ऐसी राम की कथा है, अनेकों लोगों ने भगवान राम के बारे में लिखा है। मुझे प्रसंग याद है वाल्मीकि रामायण का, एक बार वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी, ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा, वो कहीं किसी के पास जाते हैं, एक कागभूषण भी है जो कथा करते हैं। तो जब ऋषि कागभूषण ऋषि के पास जाकर कहते हैं कि कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए, तो कागभूषण जी कहते हैं कि मैं कौन सी राम कथा सुनाऊं, क्योंकि मेरे पास 24 राम की कथा है। बोलो राधे राधे। एक नहीं अलग अलग 24 राम हो गए हैं आज तक, जितनी बार युग बदला बदलता गया, हर युग में राम आए, हर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब ये चार चौकड़ी खत्म हो जाती है, पूरा विश्व खत्म हो जाता है, फिर से एक नया विश्व आता है, ऐसा 24 बार विश्व खत्म हुआ और आया, हर बार में रामावतार हुआ और हर बार की लीलाओं में कहीं 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 भेद है, कहीं अंतर है वही राम वही सीता, लगभग लगभग कथा वही है, पर सब कथाओं में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसलिए आप कभी मथुरा वृंदावन जाइए तो वहां आपको ऐसी चार जगह दिखेगी और चारों लोग कहेंगे कि भगवान ने यहां रास किया था। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सही में कहां रास किया था, तीन जगह ऐसी है जहां कहेंगे भगवान ने यहां मिट्टी खाई थी, तो हमको शंका हो जाती है सही में है कि ये सब बस बनाया हुआ है, पर वास्तविकता है। अलग अलग कल्प में अलग अलग कृष्ण हुए, अलग अलग कल्प में अलग अलग राम हुए, तो जिस कल्प में उन्होंने वहां पर मिट्टी खाई थी तो वो पता कैसे चला। तो हमारे आचार्य महापुरुष के रूप में जब ईश्वर अवतार लेते हैं, कभी वल्लभाचार्य के रूप में, तो कभी रामानुजाचार्य के रूप में, कभी शंकराचार्य के रूप में, उनको भगवान प्रेरणा देते हैं कि इस कल्प में भगवान ने यहां पर बैठकर मिट्टी खाई थी, तो उस जगह का वो उद्धार करते हैं। जैसे आचार्य शंकर ने चार धाम सोमनाथ ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग सब हमको पता ही नहीं था, सब खत्म हो चुका था, आचार्य शंकर ने जाकर उनका उद्धार किया, वहां जाकर पुस्तकों में लिखा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा पर्वत होगा, ऐसा समुद्र होगा, पूर्व दिशा से ये होगा, उस जगह में उस संकेतों को देखकर उन्होंने उस जगह को खोजा और उन देवताओं की वहां पुनः स्थापना की। तो उसी तरह से कई राम हो चुके हैं, कई कृष्ण हो चुके हैं, अलग अलग रामावतार में भगवान का अलग अलग चरित्र वर्णन है। 9 दिन की इस कथा में हम सब बैठकर भगवान राम के बारे में, माँ भगवती सीता के बारे में, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी के बारे में हम सुनेंगे।
कई चीजें ऐसी होती है जो हम जानते हुए भी समझते नहीं। जैसे मैं एक बार भी कहा था, फिर से आपको निवेदन करूं, बनारस से जब काशी से अहमदाबाद जा रहा था तो किसी ने कहा कि राम भगवान के बड़े भाई का नाम क्या, कंफ्यूज हो गए, राम ही बड़े हैं। तो बोला आप काशी पढ़ते हो, इतना नहीं आता है। अब जब बोलते हैं तो टेंशन हो जाता है ना, तो इधर उधर की बात तो की परंतु पता नहीं चला। तो कहा कि राम भगवान के बड़े भाई का नाम हनुमान जी, ले। मैंने कहा भाई गप्पा मत मारो, ऐसे कैसे हनुमान जी बड़े भाई हो गए। तो तुरंत बोला हनुमान चालीसा में लिखा है ना, तुम मप्रिया भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। तो भाई उम्र में बड़े थे तो बड़े भाई हो गए। अब ये बात सही है कि गलत पता नहीं, हाँ, पर जब शास्त्रों में डुबकी लगाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रसंग मिलेगा, तुलसीदास के मुंह से ऐसा क्यों आया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा उन्होंने लिखा ही क्यों, कोई गलत तो था नहीं। तुलसीदास ने अतिशयोक्ति क्यों की, उन्होंने लिख दिया और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। और सब देवताओं का चित्त में ध्यान मत करो, और सब देवताओं के फोटो घर पे हो तो गंगा जी में पधरा दो, बोलो राधे राधे, केवल हनुमान जी को रखो, सब इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये बात हम कैसे मान सकते हैं जी, हम हमारे कुल देवता की तस्वीर को लेके गंगा जी में कैसे डाल सकते हैं, नहीं ना डाल सकते। तो तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा, तो गलत था तो हम हनुमान चालीसा में निकाल देंगे, नहीं, कुछ तो उसके पीछे रहस्य है। तो ऐसे ऐसे कई रहस्य शास्त्रों में ग्रंथों में छुपे हुए हैं, उसको सुनकर उसको समझकर उनके अलग अलग ग्रंथों की कड़ी को बनाकर उसको समझा जाता है, हनुमान जी बड़े भाई कैसे बन गए। ये सब चरित्र, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में बहुत गूढ़ रूप में लिखी हुई है, एक श्लोक में, एक पंक्ति में अथवा एक चौपाई में गूढ़ रूप में लिखी गई है। तो हम 9 दिन तक बैठकर इसी विषय पर, इसी बातों पर हम चर्चा करेंगे और राम के बारे में, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सबके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जहां से आपको सब कुछ मिलेगा। वैसे तो भागवत मेरा विषय है, भागवत में ही मैंने ज्यादा अध्ययन किया, बोलो जैसे कृष्ण, कृष्ण के प्रति ही मुझे ज्यादा प्रेम है, बोलो जैसे कृष्ण। मगर फिर भी ये कहना पड़ता है कि कृष्ण की जब कथा सुनेंगे तो कई कथाएं केवल सुनने के लिए ही होती है, बोलो जैसे कृष्ण। 16108 बार शादी की हम नहीं कर सकते, ये सत्य है कि गलत है, सत्य है, हम नहीं कर सकते। हाँ, पर राम ग्रंथ एक ऐसा है कि यहां जो लिखा है हम सब कर सकते। इस ग्रंथ में से आपको एक सबसे उत्तम पति मिलेगा, इस ग्रंथ में से सबसे उत्तम पत्नी धर्म मिलता है, इस ग्रंथ में से भाई कैसे बनना है वो भी मिलता है, ये ग्रंथ में से नौकरी, नौकर, सेवक कैसे बनना है उसके बारे में भी एक अवतार के रूप में भगवान ने लिखा है, उत्तम भाई लक्ष्मण, उत्तम पत्नी सीता, उत्तम पति श्री राम। ऐसा जब बोलते हैं तो शंका तुरंत आती है, तो फिर राम ने सीता को छोड़ क्यों दिया भाई, यदि आप उसको उत्तम पति मानते हैं तो क्यों सीता को, और वो भी उस समय में छोड़ दिया जब वो सगर्भा थी, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, ये पति का धर्म होता है। क्या रहस्य है उसके पीछे, कुछ तो रहा होगा, सुनना है तो 9 दिन में आइए कभी, बोलो राधे राधे, कभी तो आएगा कुछ। तो ऐसे कई बातें राम के जीवन की, कई शंकाएं हमारे मन में घर कर गई है, क्योंकि अनेक अत्याचारियों ने ऐसे शंकाओं को पैदा किया है। हमारे शास्त्रों पर कम अत्याचार नहीं हुआ है, नास्तिकों ने, गलत व्यक्तियों ने आ आकर हमारे मन में ऐसी शंकाएं डाल दी है, शंकाओं को जन्म दे दिया है, जिससे हमको उस परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास न हो और हम उस मार्ग पर न पहुंच पाए और अंत तो हम उसे छोड़ दे। इसलिए ऐसी शंकाएं पैदा की जाती है समाज में और लोगों में, परंतु हमारे शास्त्र में उन सब का सचोट जवाब है, ऐसा क्यों हुआ। हाँ, उसके लिए हमें एक अलग दृष्टि चाहिए, एक अलग विचार चाहिए, उसको देखने के लिए हमारी दृष्टि काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें तुलसी की आंखें चाहिए, उसके लिए हमें भगवान वाल्मीकि की आंखें चाहिए।
तो उनको समझने का प्रयास हम इन 9 दिनों में करेंगे। वैसे तो प्रधान रूप से हम रामचरितमानस का आश्रय लेंगे, क्योंकि रामचरितमानस ये कलि काल में सबसे उत्तम ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस ये ग्रंथ तीन ऐसा विद्वान लोग समझाते हैं, तीन पद है राम चरित और मानस। हमारे हमें जब राम तक पहुंचना है, ध्यान दीजिए राम सबसे ऊपर है, बाद में चरित है और बाद में मानस है। हमें यदि राम तक पहुंचना है तो हमें दो वस्तुओं को धारण करना पड़ेगा, दो वस्तुओं को पकड़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है मानस, बाद में चरित और बाद में राम। राम तक जाने के लिए दो मार्ग बताए। पहला मार्ग उसमें है मानस। पहले हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन में राम के प्रति प्रीति हो जाएगी तो हमारा चरित्र अपने आप सुधर जाएगा, और जब चरित्र सुधर जाएगा तो राम स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे। तो रामचरितमानस से बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। कैसे आया पृथ्वी पर, ये कौन लिखा, कैसे लिखा गया, उसको उसके पीछे एक नहीं अनेक दंत कथाएं हैं।